माइंडसेट्स यानी मनोवृत्ति, हम किस तरह से चीजों को देखते हैं, सोचते हैं और उस बेसिस पे क्या एक्शन लेते हैं, ये सब हमारे माइंडसेट पे ही डिपेंड करता है। रिसर्च के मुताबिक अधिकतर इंसानों में दो अलग तरह के माइंडसेट्स पाए जाते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। जहां फिक्स्ड माइंडसेट एबिलिटीज को लिमिट करके इंसान को किसी दायरे में सीमित करके रख देता है, वहीं ग्रोथ माइंडसेट उन्हीं एबिलिटीज को ग्रो कराकर उन्हें एनहांस कर देता है। पर आखिर इसकी वजह क्या है? क्या वजह है कि ये माइंडसेट का डिफरेंस इतने सारे लोगों में पाया जाता है? क्या सभी लोग बचपन से ही ऐसे होते हैं? क्या जन्म लेने के वक्त ही हमारा माइंडसेट डिसाइड हो जाता है? ऐसे कई सवालों के जवाब को ढूंढने और इस माइंडसेट के कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझने के लिए एक रिसर्च का सहारा लिया गया, जिससे ये पता चला कि जन्म के वक्त से इंसान का माइंडसेट लगभग एक सा होता है। अगर हम एक बच्चे का ही एग्जाम्पल लें तो हम ये समझेंगे कि कैसे एक बच्चा अपने ग्रोथ के फेज में उसके सामने आ रही हर एक प्रॉब्लम को फेस करता है। एक बच्चा पहले घुटनों पर चलना सीखता है, उसके बाद वो अपने आप को खड़े होने के लिए चैलेंज करता है, पर इस चैलेंज के दौरान वो बार बार गिरता है, रोता है, पर वो अपनी कोशिश नहीं छोड़ता है। वो फिर कोशिश करता है और फिर एक दिन वो खड़ा हो जाता है, पर उसके बाद वो रुकता नहीं है, उससे भी मुश्किल चैलेंज को अपनाता है, चलने की कोशिश करने लगता है। मुश्किलें तब भी आती है पर वो रुकता नहीं है और धीरे धीरे वो दौड़ना सीख जाता है। पर फिर जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती है, उसके माइंडसेट में एक अलग बदलाव आ जाता है। अब यही बच्चा जब 7-8 साल का हो गया तो उसे एक पजल सॉल्व करने को दिया। पजल इजी था तो उसने आसानी से सॉल्व कर दिया, पर जब उसी बच्चे को एक मुश्किल पजल दिया गया तो उसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था। ये पजल तो बहुत ही मुश्किल है, ये तो हम बच्चों से हो ही नहीं सकता सॉल्व। अब आप सोचिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो इस बच्चे ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया। जो बच्चा गिर के उठकर चलना जानता था, बार बार दौड़ते हुए गिर जाने पर भी भागना नहीं छोड़ता था, वो आखिर ऐसा कैसे बन गया? आखिर अब वो एक चैलेंज से क्यों भागने लगा? रीजन माइंडसेट का चेंज होना है। हमारे माइंडसेट को बिल्ड करने में हमारी एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यही वजह है हम सभी इस फिक्स माइंडसेट का शिकार बने हुए होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो आइए कुछ एवरीडे एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1। क्या बकवास दिन है आज, सुबह की चाय भी इतनी बकवास थी और अब ऑफिस में आकर बॉस की डांट भी सुननी पड़ रही है। जरूर किसी की नजर लग गई है मुझे। यहां पर इस आदमी का अपने बॉस से मिले फीडबैक पर फोकस ना करके दो छोटी बातों के लिए पूरे दिन को ही दोष दे देना एक फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है। अपने फॉल्ट के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढना या किसी और को दोष देना एक फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है। अब आइए सेकंड एग्जांपल पर चलते हैं। हाय, देखो इसके मार्क्स, ये कोई मार्क्स है भला है? अरे पड़ोसन के बच्चे 95 लेकर आ रहे हैं और एक हमारा बच्चा है मंद बुद्धि कहीं का। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है जिंदगी में। किसी को उसके खराब मार्क्स आने पर उसे पढ़ाई में और एफर्ट लगाने को कहने के बजाय उसे मंद बुद्धि घोषित कर देना एक फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है। क्योंकि यह भी तो हो सकता है कि उस बच्चे के एफर्ट्स में कमी रह गई हो, शायद थोड़ी और मेहनत से वो अच्छे नंबर ले आए। आइए तीसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। भाई क्या फायदा मेरे इस क्लास को ज्वाइन करने का, मैं जानता हूं वो सब्जेक्ट मेरे बस का ही नहीं है, बस टाइम वेस्ट करना ही होगा। अपने आप को नया चैलेंज देकर किसी सब्जेक्ट को और बेहतर तरीके से समझने के बजाय अपनी एबिलिटी पर अंकुश लगाकर खुद को एक दायरे में बांध लेना फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है। आइए चौथा एग्जाम्पल चेक करते हैं। यार 2 हफ्ते हो गए यॉर्कर की प्रैक्टिस करते हुए, एक भी बॉल सही जगह पर नहीं गिर रही है, शायद और प्रैक्टिस करनी होगी। अपनी एबिलिटी पे अंकुश ना लगाकर प्रोसेस पर बिलीव करते हुए लर्निंग की ओर बढ़ते जाना
एक ग्रोथ माइंडसेट की निशानी है जो हमें नेवर गिव अप एटीट्यूड सिखाता है। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट एग्जांपल। यार मुझसे यूपीएससी होगा कि नहीं वो तो नहीं पता, पर सोचती हूँ कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एग्जाम्स क्लियर नहीं होंगे। कोई बात नहीं, ट्राई नहीं करूंगी तो पता कैसे चलेगा कि मुझे और कितना सीखने की जरूरत है। खुद के फ्लॉस को एक्सेप्ट करके चैलेंजेस से उनका सामना करना सो दैट आप कुछ सीख पाओ इज अ साइन ऑफ ग्रोथ मेंटालिटी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लुक मैन, आई एम सॉरी बट मैं किसी के लिए भी चेंज नहीं हो सकता हूं। आई एम नॉट बिल्ट लाइक दैट। अपने आप को बेटर बनाने के बजाय एक ही सिचुएशन में स्टक रहकर इस जिद पर अड़ जाना कि मैं ऐसा ही हूं इज अ साइन ऑफ फिक्स्ड मेंटालिटी। आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। आई नो रोहन, हमारे बीच चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। ऐसा करते हैं, थोड़ा मैं चेंज करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा तुम अपनी साइड से देखो। आई एम श्योर हमारा रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। खुद की कमियां पहचान कर अपने आप को चेंज करके अपने रिश्तों को फिक्स करने की कोशिश करना एक ग्रोथ माइंडसेट को दर्शाता है। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट एग्जांपल। यार ये स्टार्टअप वगैरह में कुछ नहीं रखा है, बस टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, और वैसे भी तुम्हारा कोई बिजनेस बैकग्राउंड तो है नहीं। आई थिंक यू शुड ड्रॉप दिस आइडिया। किसी को नए चैलेंजेस के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय उसके बैकग्राउंड से उसकी एबिलिटी को ही जज कर लेना एक फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। यार इस लड़की को इंजीनियरिंग वगैरह क्या कराना, वैसे भी इस फील्ड में लड़कियां कहां कुछ कर पाती हैं। किसी को उसकी एबिलिटी से ना परख कर उसके जेंडर से उसकी अकम्पलिशिंग एबिलिटी डिसाइड कर लेना एक फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है। फाइनल एग्जांपल। यार जहां देखो वहां पर गड्ढे और खुदाई हुई पड़ी है, रोज इनसे बनते हैं नहीं चले बड़े मेट्रो बनवाने के लिए। मैं बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, इस शहर में ना कभी कुछ नहीं बदलने वाला। एज ए कम्युनिटी आसपास डिसअपॉइंटिंग कंडीशंस को देखकर अगर आप यही मान लेते हैं कि चीजें कभी बदल ही नहीं सकती तो ये आपके फिक्स्ड माइंडसेट को दर्शाता है। क्योंकि माइंडसेट एक बिलीफ है, एक बिलीफ जो हमें भरोसा दिलाता है कि हाँ कोई इम्पॉसिबल से दिखने वाली चीज भी अचीव की जा सकती है। एक ऐसा बिलीव जो हमें बुरे वक्त में यह बताता है कि एक ट्राई और हम जो भी अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। इसलिए आइए हम सब अपने आप को एक मौका देते हैं और ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं, क्या पता हमारी भी लाइफ बदल जाए। तो दोस्तों माइंडसेट से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए सुनते रहिए माइंडसेट शो ओनली ऑन हेडफोन ऐप। माइंडसेट के नेक्स्ट एपिसोड्स में हम बात करेंगे कि कैसे हमारे खुद के बिलीव्स हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल सक्सेस को डिफाइन करते हैं, चाहे वो कॉलेज हो या स्पोर्ट्स, ऑफिस हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स।